हेलो गाइस, दिस इज तुषार। वेलकम टू खुशहाल सेंटर फॉर एक्टिंग। सो गाइस, आज के वीडियो में डिस्कस करना है क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। सो इस वीडियो को थ्री पार्ट में कवर करा गया है। सो तीनों ही पार्ट देखने कंपलसरी हैं। सो इस पार्ट में हम करेंगे इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 6.1 के बारे में हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन अपना। इंट्रोडक्शन में क्या है, पहले लाइंस जान लेता है क्या होती है। लाइंस, जैसे कि आप जानते हैं, ये जो होता है ये लाइंस कहलाती है। अब लाइंस भी चलती रहती हैं, जैसे ये चलती ऐसे ही इनफाइनेटली चलती रहती है, ऐसे है ना। अब जैसे लाइन है, मान लिया इतनी छोटी सी लाइन है, ये भी बड़ी हो सकती है इसकी बराबर, ऐसी ही हो सकती है क्योंकि हमने इसे यहीं रोक दिया, पर हम चाहते तो इसे और बढ़ा सकते थे, इसलिए ये इनफाइनेटली होती है। लाइंस क्या होती है, लाइंस अब लाइंस का कोई पॉइंट एंड पॉइंट नहीं होता, वो क्या होती है, इनफाइनेटली होती है लाइंस, ठीक है, ओके। अब एंगल्स की बात करें, एंगल्स भी बहुत एंगल्स होते हैं। जैसे एंगल्स, कोई भी एंगल्स बना लिया, जैसे ये एंगल बन गया एक, है ना। अब बात करें, जैसे ये एंगल बन गया एक, ऐसे कोई सा भी एंगल बन जाए। अब जैसे ये बन गया एक एंगल, ये बन गया एक एंगल, ऐसे कुछ भी एंगल्स बन सकते हैं। अब ये ऐसे करके बन गया, जैसे ये एंगल, ऐसे भी ये एंगल होते हैं सब, ठीक है। अब बात कर, ऐसे चाहे ऐसे बना सकते हैं आप, ऐसे और तुम ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है। सो ये एंगल हो गए। अब एंगल भी बहुत होते हैं, जैसे बहुत कम ही होते हैं, फिर भी 6 होते हैं ना, 6 होते हैं एंगल्स, 6 होते हैं। और अब क्या होते हैं, वो एक होता है एक्यूट एंगल। क्या फर्स्ट में आता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, ये एक्यूट लिखते हैं यानी कि एक्यूट एंगल, ठीक है, समझा, ओके। अब एक्यूट क्या होता है, ये आप लिख सकते हैं इसे जीरो डिग्री टू नाइन्टी डिग्री। ये क्या होती है एक्यूट एंगल, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। ये हो गई, ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बाद राइट एंगल पर, क्या राइट एंगल क्या होता है। अब राइट एंगल की बात करें तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का राइट एंगल होता है, सिर्फ 90 डिग्री का। अब ये कैसा एंगल है, एक जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, क्योंकि अभी तो ये इंट्रोडक्शन चल ही रहा है, ऐसा एक एंगल बना के दिखाया था मैंने आपको। सो ये क्या होता है, ये इतना जो होता है, ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। सो ये एंगल क्या है, राइट एंगल, ऐसा होता है राइट एंगल, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, राइट एंगल के बाद हम ऑब्ट्यूज एंगल पर, किस पर, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री टू 180 डिग्री का होता है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है, ये होता है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा 80 डिग्री से छोटा, या आप कह सकते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में का एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल भी क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल हो गया, इसके बाद ये क्या होता है स्ट्रेट एंगल, ये 180 डिग्री का होता है, सिर्फ 180 की बात करें तो ऐसा, ये ऐसा एंगल होता है, जैसे कंपास होता है ना,
तो 180 डिग्री का होता है ना कंपास, तो वही है ये, ठीक है। ओके, कंपास में आपने देखा होगा 180 डिग्री का होता है कंपास। अब आप कहेंगे कि कंपास को जोड़ो तो कितने डिग्री बनेगी, तो बता दूंगा अभी। वो एंगल आ रहा है जो कंपास को जोड़ के क्या बने, पूरा कंपास बन जाएगा। कंपास कैसे पूरा बनेगा, यानी कि सर्किल जैसा, वो एंगल अभी आएगा। अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल पे, ये नहीं है कंपास वाला एंगल, ये नहीं है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है रिफ्लेक्स एंगल में, ये रिफ्लेक्स एंगल ये होता है रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री 180 डिग्री टू 360 डिग्री 180 टू 360 डिग्री, या 180 से 360 डिग्री तक का होता है क्या हमारा रिफ्लेक्स एंगल, या आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा इनके, या आप कह सकते हैं कि इनके बीच में के जो नंबर होते हैं 180 डिग्री और 360 के बीच में जो होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब वो कंपास वाला क्या आता है, एंगल आता है, क्या है उस एंगल का नाम, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट यानी कि पूरा कंपास, यानी कि पूरा बन जाए वो कंप्लीट। अब देखते हैं कि कंप्लीट एंगल पूरा कंपास कैसे बनेगा, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, क्योंकि हाफ क्या होगा 180 डिग्री, तो हाफ कंपास ये ऐसे होता है, गलत बन गया थोड़ा, ऐसा होता है ये हाफ पर, ये क्या बना लिया हमने ऐसे, ये एक सर्किल बन जाता है। सर्किल अभी बना नहीं है ढंग से, बर्गर बन गया। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं ढंग से, इन्हें सबको रफ कर देते हैं। अब ठीक है, अब सर्किल बना दिया, जैसे हमने ये मान लिया ये एक सर्किल है, ठीक है, ये एक सर्किल हो गया। अब ये सर्किल क्या है, ये सर्किल पूरा सर्किल ये कितना डिग्री का है, ये सर्किल यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है, ये 360 डिग्री का है, यानी कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री लिख दिया, यानी कि कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब बात करें इसका हाफ ये है इसका हाफ, इसका हाफ ये क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री का हो जाएगा, इसका 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट एंगल, क्या स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब इसका भी हाफ को बोले तो इसका भी हाफ ये कौन सा एंगल है, ये बताया था ये कौन सा एंगल बन रहा है, ऐसे मैंने बताया था आपको 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसका हाफ, 90 डिग्री का हाफ कुछ होता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ मान लिया कि इसका हाफ ये है, तो ये इसके बीच में के कोई भी नंबर, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के नंबर, जैसे मान लिया एक ये लाइन इसको हाफ कर रही है, तो ये वाली लाइन का क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट हम क्या लिख, एक्यूट एंगल लिख देता हूँ, यहाँ एक्यूट ही लिखना पड़ेगा, कुल लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कोई सीधा साधा सा एंगल नहीं बन रहा है, देखने नहीं मिलती है, ठीक है। अब इसका हाफ बात करें तो पता ही चल गया, अपर इसके 90 डिग्री टू 180 का क्या होता है, ऑब्ट्यूज। सो यहाँ पे ये ऐसे हाफ नहीं बना, ऐसे कुछ टेढ़ा सा बन गया, ऐसे बना है, मान लिया कि ऐसे बना है एक एंगल, तो ये बिल्कुल सीधा नहीं बना, हाफ नहीं बना ना, हाफ नहीं बना ऐसे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन जो आ रही है ये ऑब्ट्यूज हो जाएगी, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगी। अब ये 360 क्या होता है, रिफ्लेक्स, तो ये पूरा था, अब इसमें हमने ऐसे हाफ नहीं करा, तो क्या कर दिया, ऐसे हाफ नहीं करा पूरा इसका, यहाँ से कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली जो लाइन होगी ये रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, ये हो गया। अब पूरा सर्किल में से बता दिया है आपको एंगल, ओके, पूरा सर्किल में से एंगल बता दिया है आपको, ये पूरा सर्किल किस कौन सा एंगल है, राइट एंगल, चाहे यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ राइट एंगल। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे 180 डिग्री का है, तो कौन सा होता है, स्ट्रेट
अभी ऑब्ट्यूज में यहाँ मैंने लिख देता हूँ कि 90 degree to 180, ठीक है। अब बात करें कि जैसे हम इसकी 190 की 90 की तो 90 डिग्री का कौन सा एंगल होता है, राइट। ओ सॉरी ये राइट नहीं है, कंप्लीट है, बार बार ये कंफ्यूजन होता है, राइट राइट याद आया, यहाँ पे भी रिफ्लेक्स की जगह राइट याद आ रहा था। ओके कंप्लीट है, कंप्लीट है ना। फिर ये रिफ्लेक्स की बात करें तो ये रिफ्लेक्स की बात करें तो ये कितना होता है, ये 180 डिग्री टू 360 डिग्री तक। सो अब एक्यूट, एक्यूट में लिख दिया मैंने 0 degree to 90 degree, ठीक है, ये हो गया। अब ये पूरा सर्किल के साथ बता दिया आपको मैंने। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पर, अब इसे रफ कर देते हैं। तो क्या आते हैं हम एक्सरसाइज 1.1, चलिए तो एक्सरसाइज 6.1। हाँ तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता देता हूँ। इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दे रखा है वो बता दूंगा मैं। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट एट ओ, एक पॉइंट है और उसे इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी, ए बी लाइंस ए बी और सी डी उसे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 degree एंड बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 degree, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब यहाँ पे हमें एक एंगल बताना है, एंगल फाइंड करना है। सो अब पहले तो फिगर देख लेते हैं, फिगर क्या है, फिगर बना लेता हूँ मैं। ऐसा ये फिगर दे रखा है यहाँ पे, ये एक फिगर दे रखा है, ये है ए यहाँ है बी, ये है सी ये है डी और ये कौन सा है, यहाँ है ये पॉइंट ओ, यहाँ है ये ई, ठीक है। अब ए और बी सी और डी इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, बी एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए, अब ए और बी, ये ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ए ए बी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये है ए और बी, या ऐसे कह सकते हैं ए ओ बी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, अब इसे हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ए ओ सी यहाँ पे हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए ओ सी बी ओ ए ओ सी दे रखा है, ए ओ सी दे रखा है, बी ओ ई दे रखा है इज इक्वल्स टू 70 degree, फिर बी ओ डी दे रखा है, बी ओ डी 40 degree। सो अब देखिए यहाँ पे ए ओ सी ए ओ सी ए ओ सी लिख देते हैं यहाँ पे हम ए ओ सी, और क्या दे रखा है बी ओ ई, बी ओ ई बी ओ ई दे रखा है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसके हिसाब से, इससे हमने फिगर से बताना है, तो सी ओ ई, सी ओ ई लिख देंगे हम, क्योंकि ये एक ऐसा एंगल बताना है, क्योंकि ए ओ सी ऐसे एक एंगल बना, तो यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे इसे सी ओ ई, ए ओ सी सी ओ ई ऐसे लिख देंगे प्लस सी ओ ई, फिर क्या बनेगा एक एंगल इसमें से एक फिगर से बताना पड़ेगा ई ओ बी, ई ओ बी, अब एक ऐसे भी बनेगा ऐसे, ठीक है, ई ओ बी प्लस ई ओ बी ये आ जाएगा, है ना, फिर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री क्यों आया, क्योंकि ये क्या है स्ट्रेट एंगल में बने हुआ है, ये सब क्या है, ये स्ट्रेट एंगल बताया था मैंने, ये क्या है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अब स्ट्रेट लाइन में ये बताया था, अब ये 180 बताना है ना हमें कैसे, ये आया लीनियर पेयर से,
ये क्या है, ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर के को हम क्या कहते हैं, ये हम 180 डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब क्या है बने? अब यहाँ पे हम एंगल बना लेते हैं, ये क्योंकि ये क्या है, एंगल एंगल्स है ना। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस करते हैं फिर एंगल ई ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री आएगा, क्योंकि अब चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बता रहा हूँ तरीके कैसे कैसे लिखना। चाहे तो आप लिख देते हैं 70 डिग्री। अब 70 डिग्री क्यों लिखते हैं, 70 डिग्री प्लस सी ओ ई, ये क्यों लिखेंगे 70 डिग्री प्लस सी ओ ई, क्योंकि प्लस सी ओ ई, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो बी ओ ई या ई ओ बी एक ही बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, तो हो गया। इसके बाद यहाँ पे सी ओ ई, ये क्या आ गया, सी ओ ई, जब हम इसे जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ वहाँ पे हमें हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 डिग्री को 70 डिग्री से, तो क्या हो जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यह आया 110 डिग्री। अब इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमें इसे सी ओ ई रिफ्लेक्स बताना है ना, सी ओ ई, सी ओ ई का क्या बताना है, रिफ्लेक्स बताना है, सी ओ ई रिफ्लेक्स बताना है, सी ओ ई। तो यहाँ हम करेंगे रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स सी ओ ई इज इक्वल्स टू 1 क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस 1 ये करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें रिफ्लेक्स बताना है ना, तो हम क्या करेंगे, किसमें से कंप्लीट एंगल में से किसी भी को माइनस करेंगे। अब हमारा क्या आया था 110, तो हमने कर दिया माइनस, करेंगे तो क्या आएगा, 0 का 0, 6 में से बन गए 5, 0 5, 3 में से बन गए 2, ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा, ठीक है, ये आया। तो सी ओ ई रिफ्लेक्स क्या है, सी ओ ई का ये रिफ्लेक्स, तो सी ओ ई तो पता चल गया, एंगल सी ओ ई ये तो आ गया हमारा, क्या इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 250, ये आ गया, ये आ गया 250 डिग्री, यहाँ पे भी डिग्री, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करना है, हमें बी ओ ई भी बताना है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था 70 डिग्री और 40 डिग्री भी दे रखा था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इसी के साथ साथ क्या आ गया हमारा, एंगल बी ओ ई भी निकल के आ गया, क्या आया, बी ओ ई 30 डिग्री आ गया। ओके, ये हो गया। अब ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। ठीक है, सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या दे रखा है, चलिए, इन द गिवन फिगर हमें एक फिगर दे रखा है, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एक्स और वाई एंड एम एन जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है किससे, ओ पॉइंट से। इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 2:3, फाइंड सी, हमें यहाँ पे साइन सी फाइंड करना है। इजी सवाल है, बहुत इजी सब सवाल है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पहले तो हम वो बना लेते हैं, क्या जो हमारी फिगर दे रखी है, फिगर बना ली, यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं, ये तो दे रखी है फिगर,
ये क्या है, ये एक्स वाई है लाइन, ये क्या है लाइन एक्स वाई है, ये क्या है ये एम है, ये एन है, ये ऐसे दे रखा है, फिर यहाँ पे है ये पी है, यहाँ पे पी दे रखी है लाइन, और यहाँ पे क्या है ओ दे रखा है, फिर यहाँ पे ऐसे दे रखा है हमें, ये बना हुआ है। अब यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब यहाँ पे क्या है कि ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 2:3, ये है तो ये क्या है, ये क्या है, ये बी 3 है और ए 2 है, तो 2:3 आया। फिर हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2:3 है, अब यहाँ पे हमें एक एंगल दे रखा है पी ओ वाई, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे बी, यहाँ पे पहले हम अभी ये लिख तो लिया हमने, पहले हम क्या करेंगे बी प्लस ए प्लस क्या करेंगे जो हमारा एंगल है, एंगल पी ओ वाई, ये हो गया ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 180 डिग्री क्यों आया, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ क्या लीनियर पेयर जो है ठीक है। इसके बाद हम क्या कर लेंगे कि पर यहाँ पे हमें पी ओ वाई क्या दे रखा है, लेकिन हमें पी एंगल पी ओ वाई जो है वो हमें क्या दे रखा है 90 डिग्री, अब 90 डिग्री दे रखा है। अब ये क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या कर लेंगे बी प्लस ए इज इक्वल्स टू बी प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री ये कर लेंगे, तो क्या आ गया हमारा 90 डिग्री आ गया निकल के पी ओ वाई, क्या 90 डिग्री आ गया पी ओ वाई ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये आया 90 डिग्री निकल के, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो हमारी ये वाली जो बात है इस हम यहीं आ जाते हैं, वहीं लिखा रहने देते हैं, पर यहाँ पे बाद में नोट कर लेंगे। इज इक्वल्स टू यहाँ पे दे रखा है, चलिए लिखना ही पड़ेगा, ये बी है इज इक्वल्स टू 2:3, तो यहाँ पे क्या गया इज इक्वल्स टू 2:3 है, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इज इक्वल्स टू बी, बी जो है बी के बता रहे हैं अभी हम, क्या बी का बता रहे हैं, बी इज इक्वल्स इक्वल्स टू बी, बी में क्या दे रखा है यहाँ पे बी इक्वल्स टू 3a अपॉन 2 ये दे रखा है ठीक है। ये कैसे आया, अब 3a यहाँ पे क्या दे रखा है बी इक्वल्स टू कर लिया, अब 3a का क्या कर लिया हमने 3a 2 अपॉन में ले लिया, ऐसे आ गया बी इक्वल्स टू, ये तो आ गया बी इक्वल्स टू क्या आया ये। अब यहाँ पे A is equals to क्या करना है हमें, अब यहाँ पे A is equals to हमें करना है A is equals to क्या करेंगे हमें A is equals to ये 90 डिग्री है, ये क्या है ये 90 डिग्री है, पर ये 90 डिग्री यहाँ पे हमारा आ गया था निकल के, यहाँ डिग्री लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसे 2 प्लस बी प्लस ए भी था 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, तो 5 है अपॉन 2, एक ये एक आ गया 2। अब सी फाइंड करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे सी फाइंड करना है हमें, बड़ा कौन सा है हमारा 5a अपॉन 2 ये बड़ा है, यहाँ पे 5 ढंग से लिख लेते हैं 5a अपॉन 2, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 90 डिग्री आएगा है ना, 90 डिग्री अपॉन 5, सो a इज इक्वल्स टू आएगा क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू आएगा, जब हम a का कर रहे हैं ना a इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 भी तो आएगा है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो गया। अब इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आप चाहे कट कर लीजिए 5 वन ज़ा 5 यहाँ क्या आया 18 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 36 डिग्री, ये आ गया 36 डिग्री ठीक है। अब यहाँ पे हम 3/2 का करते हैं, अब 3/2 का यहाँ पे हम क्या करेंगे बी इज इक्वल्स टू तो करेंगे, हाँ बी इज इक्वल्स टू करेंगे क्योंकि हाँ बी इज इक्वल्स टू दे रखा है, बी इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 36, जब कोई डिजिट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 36, 90 तो हमने इसमें लगा लिया इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा, जब इसे हम ऐसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 54 डिग्री यहाँ पे हम जब करेंगे तो 54 डिग्री आ जाएगा। अब इसे हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे,
सी इज इक्वल्स टू लाने के लिए हम क्या करेंगे, सी इज इक्वल्स टू लाने के लिए हम 36 प्लस क्या कर देंगे, 36 डिग्री प्लस 54 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम 6 और 4 10 यहाँ पे आएगा ये। अब यहाँ पे ओ यहाँ पे 54 डिग्री नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 36 से हमने करी तो 36 हाँ हमने लिख दिया, यहाँ पे 36 था मल्टीप्लाई 36 से करी 36 हो गया, अब 90 आएगा सॉरी क्योंकि ये 36 से ही तो मल्टीप्लाई करके ये 53 आया है, ओ सॉरी 54 आया, इसलिए यहाँ 36 डिग्री। ओके अब ये आ गया 612 ये आया। अब C इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये सेट अप कर देते हैं, C इज इक्वल्स टू आया हमारा C इज इक्वल्स टू 126 डिग्री, ठीक है ये हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3rd की, क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ दे रखा है हमें इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दे रखी है PRQ देन प्रूव दैट PQS इज इक्वल्स टू PRT। अब यहाँ फिगर बना लेते हैं, फिगर क्या दे रखा है यहाँ पे हमें, ये हमें फिगर दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है S, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे T, यहाँ लिखा हुआ है S, यहाँ लिखा हुआ है T और यहाँ लिखा हुआ है Q, ये लिखा हुआ है यहाँ पे R, यहाँ पे ये ऐसे बने हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ओके। और यहाँ पे हमें फिगर में क्या दे रखा है, PQR ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। अब फिर क्या दे रखा है, PRQ ऐसे वाला एंगल और ऐसे वाला एंगल, तो क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि PQS इज इक्वल टू PRT। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, PQR लिखना है हमें यहाँ पे और PQS क्यों लिखना है, क्योंकि PQR जो है, PQR ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि PQR जो है इधर है और PQS भी इधर है ना, तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं एक साथ जब हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने एक क्या लिख लेते हैं कि PQR प्लस एंगल PQS ये लिख लिया हमने, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कैसे आया, लीनियर पेयर की वजह से आ गया, ठीक है ये आ गया। अब यहाँ देख लीजिए ये, अब ये आया, अब यहाँ हम क्या करेंगे, PRT PRQ हम करेंगे, PRT सिमिलर से हम करेंगे PRT और PRT प्लस PRQ सिमिलरली हम करेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री का एंगल ये आएगा। इससे सेकंड वाले में हमने क्या करा, यहाँ पे भी लीनियर पेयर ही बताए हमने, तो यहाँ पे क्या आया PQS, ये जो PQS है प्लस PQR है इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अब ये जो है हमारा एंगल PQS प्लस एंगल PQR ये जो है, अब ये एंगल है फिर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा एंगल PRT प्लस PRQ ये आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है। अब ये आएगा तो इसी के साथ साथ क्या हुआ कि PQS इज इक्वल्स टू है PQS इज इक्वल्स टू है PRT के, कैसे है क्योंकि इज इक्वल्स टू में आ गए ना दोनों, ऐसे ऐसे करके आए हैं पास पास में,
PQS is equals to है किसके PRT के बराबर है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम PQR ये तो है PQR ये is equals to है किसके PQR is equals to है किसके PRQ के। अब यहाँ पे ये तो प्रूफ हुआ वही था हमें प्रूफ पहले से ही था कि ये इक्वल है। अब ये प्रूफ करवा था ये भी प्रूफ कर दिया। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 तो छोटा सा ही है, बस एक बात बतानी है उसमें, बस छोटा सा है, बहुत छोटा सा, उसमें लिखने की बात नहीं है। एक फिगर दे रखा है उसमें से हम बता देंगे आपको। चलिए तो देखते हैं। इन द गिवन फिगर, एक गिवन फिगर दे रखा है, बताया था इफ x plus y is equals to w plus z, then prove that AOB is a line। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फिगर दे रखा है, ठीक है, फिगर दे रखा है, फिगर में से हम बता देंगे कि AOB लाइन है या नहीं। तो पहले फिगर दे सकते हैं, फिगर में ए ऐसे दे रखा है, लाइन दे रखा है, फिर देखते हैं यहाँ पे हमें एक ऐसे, यहाँ दे रखा है ए बी, यहाँ दे रखा ओ पॉइंट, ये दे रखा है, ठीक है, इसके बाद यहाँ दे रखा है सी, यहाँ दे रखा है डी, इधर रखा है, यहाँ फिर ये बने हुए हैं ऐसे, ये बना हुआ है ऐसे। तो ये यहाँ पे है ये वाई, ये एक्स, ये जेड, ये डब्ल्यू, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जेड, ये भी आ गया, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जब इज इक्वल्स टू है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई कितने हो जाएंगे, टू एक्स प्लस वाई हो जाएंगे। यहाँ लिख भी देता हूँ टू एक्स प्लस वाई हो जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री का एंगल बनेगा, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री अपॉन टू, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू, क्या आएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि जब हम इसे टू से काटेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये आ गया 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल बना। तो इसी के साथ हमें प्रूव करना है कि 180 और ये क्या है, ऑब्वियसली ओ ए बी क्या है, एक लाइन है, 180 डिग्री का एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है एक, क्योंकि 180 डिग्री की, या 180 डिग्री का एंगल कैसा होता है, हाफ लाइन जाके लाइन जाती है, हाफ हाफ वाली। तो ये ओ ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन को भी किया था मैंने छोटा सा है क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दे रखा है POQ इज अ लाइन। POQ क्या है, एक लाइन है, रे एक रे दे रखी है, OR इज परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर है OR टू लाइन PQ के परपेंडिकुलर है, कौन सी OR रे, क्यू OS is another ray lie between ray OP और OR, ये एक दूसरी रे है OS जो क्या कर रही है, लाइन कर रही है बिटवीन किसके बीच में, OP और OR के बीच में। अब प्रूव दैट एंगल ROS is equals to 1 upon 2 ब्रैकेट में दे रखा है, ब्रैकेट में एंगल ओ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले तो फिगर बना लेते हैं, फिगर क्या है, अब हर जगह फिगर ही फिगर दे रखा है यहाँ पे हमें। वैसे भी ये लास्ट सवाल है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट और ये पार्ट भी कंप्लीट, सो इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए ये हो गया, अब यहाँ पे आते हैं पी, यहाँ ओ, यहाँ क्यू,
पी ओ क्यू, ये ऐसे दे रखा है पी ओ क्यू, ये दे रखा है पी ओ क्यू। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ये ऐसे यहाँ ये एंगल बना हुआ है किसका, 90 डिग्री का ये एंगल बना हुआ है यहाँ पे। ओके यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये है एस ये है आर, ठीक है ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें और ये प्रूव करना है आर ओ एस इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में है एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस ब्रैकेट में है। सो अब देखिए यहाँ पे कि ये जो ये एक स्ट्रेट लाइन है वो तो हम सबको पता है स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हम करेंगे पी ओ एस प्लस आर ओ एस, यहाँ पे हम करेंगे ये पी ओ एस प्लस आर ओ एस, या मत करिए ऐसे कि पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड करते हैं किसको, पहले हम फाइंड करेंगे हम क्यू ओ एस को, क्यू ओ एस को हम पहले फाइंड करते हैं। चलिए चाहे तो हम पहले पी ओ एस को भी कर सकते थे पर हम करेंगे हम किसको करेंगे, यहाँ पे हम क्यू ओ एस को करते हैं पहले, क्योंकि पहले क्या दे रखा है क्यू ओ एस दे रखा है। सो यहाँ पे देखिए पी ओ एस पी ओ एस प्लस करेंगे हम आर ओ एस प्लस करेंगे हम आर ओ एस, क्योंकि आर ओ एस भी देता है पी ओ एस भी देता है, तो ये फिर प्लस करेंगे हम 90 डिग्री क्यों करेंगे, क्योंकि क्या है ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए कि ये हो गया, अब बात करते हैं हम कि इसके बाद ये हो गया, अब हम कर लेते हैं कि जब यहाँ पे हम इसे करते हैं कि पी ओ एस पी ओ एस पी ओ एस प्लस पी ओ एस प्लस आर ओ एस आर ओ एस पी ओ एस प्लस आर ओ एस पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्या करेंगे इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का हमारा एंगल है इसलिए हमने यहाँ पे लिख ली 90 डिग्री ही लिख ली। अब चाहे तो हम कर सकते हैं कि 180 डिग्री में से हमने 90 डिग्री माइनस करा तो 90 डिग्री आया इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ओके। अब इसके ये क्या हो गया, एंगल जो है ये एंगल आर ओ एस जो है आर ओ आर ओ एस आर ओ एस एंगल जो है ये इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस पी ओ एस माइनस पी ओ एस ये है ऐसे दे रखा है यहाँ पे। सो तो क्या हो जाएगा आर ओ एस, तो क्या हो जाएगा आर ओ एस आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू आर ओ क्यू आर ओ क्यू ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस ये आ जाएगा, ठीक है क्यू ओ एस क्यू ओ एस तो आ गया। अब हम करते हैं पी ओ एस, पी ओ एस में हम करेंगे यहाँ पे आर ओ एस सॉरी ये क्या आया ये पी क्यू एस का आया पी क्यू एस का आया है ना, ठीक है ये पी क्यू एस का आया सॉरी ठीक है पी ओ एस का ही आया ठीक है ये सॉरी ये पी ओ एस का आया ये पी ओ एस का आया। अब यहाँ पे हम करते हैं फिर क्यू क्यू ओ एस का, अब आर ओ एस प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे 90 डिग्री प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री प्लस होगी क्योंकि हमारा एंगल क्या है 90 डिग्री ही है इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम करेंगे ये क्यू ओ एस, ठीक है। अब ये हो गया ठीक है ये आ गया, फिर इसके बाद क्या होगा यहाँ पे एंगल आर ओ एस ऐसे ही निकल जाएगा एंगल आर ओ ओ एस ओ एस ये एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू क्यू ओ हाँ क्यू ओ क्यू ओ एस क्यू एस
माइनस 90 डिग्री ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आर ओ एस, इस वाले में भी आया इस वाले में भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ टू आर ओ एस, टू आर ओ एस यहाँ पे हो जाएगा टू आर ओ एस हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा था एंगल क्यू, एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब ये पर हमें प्रूफ क्या करना था आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 भी लाना था, तो क्या है हम कर लेंगे आर टू आर ओ एस है तो हम कर लेंगे आर ओ एस सिंगल लिख देंगे आर ओ एस सिंगल इज इक्वल टू 1/2, सो ये भी आंसर आ गया। ठीक है अब सो इसी के साथ साथ ये वीडियो भी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।